अभी हमारे साथ बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद साहब हैं। सर, बिहार कांग्रेस महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है, खिता का तानी चल रही है बहुत, क्या लग रहा है, टूटने की आस है क्या? नहीं, कोई टूटने की आस नहीं है। देखिए, चुनाव है, एक से ज़्यादा पार्टियाँ एक साथ हैं। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है, जब भी गठबंधन होता है तो हर पार्टी चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट और अच्छी से अच्छी सीट मिले। लेकिन जब लक्ष्य एक होता है तो जब हम बात करने के टेबल पर, जिसको अंग्रेज़ी में नेगोशिएटिंग टेबल बोलते हैं, उस पर बैठते हैं तो एक दूसरे का सोशल बेस, एक दूसरे का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एक दूसरे के कैंडिडेट्स को देख करके, और लक्ष्य एक है तो हमें कबूल सॉल्यूशन हो जाता है और यहाँ भी समाधान हो जाएगा। बातचीत चल रही है, बातचीत होना चाहिए, फाइनल अनाउंसमेंट से पहले बहुत विस्तार से बात होनी चाहिए, और बात हो रही है, और बात होने के बाद हम नहीं समझते हैं कि कहीं कोई परेशानी होगी। आज दिल्ली में महागठबंधन की बैठक भी है कांग्रेस और RJD की, क्या लग रहा है आज सुलझ जाएगी? देखिए, वो तो हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उसके बाद जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन हैं, फिर और दूसरी पार्टियों के नेता होंगे, ये बैठ के बातें करेंगे। और एक बात सही है कि हम सब ने एक मन बनाया है साथ लड़ने का चुनाव, और हम समझते हैं कि थोड़ा ऊंच नीच करके एमिकेबल सॉल्यूशन हो जाएगा, और हम मिलके भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर बिहार में उनका जो गठबंधन है उसमें परास्त करेंगे। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार में कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि 10 चल रही है, 12 चल रही है, 13 सीटों पर ऐसी खबर चल रही है? देखिए, सीट का जो नंबर है वो आपसी सहमति से तय होनी चाहिए, और आपसी सहमति लगभग बन रही है। तो इसलिए मेरा कहना कि इतने सीट पर ही हम लड़ेंगे और इससे कम नहीं होगा, या इतनी ज़्यादा सीट पे हम लड़ेंगे उस कोई कहे इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो मेरा ये कहना ठीक नहीं है। जो बातचीत में प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, ये वो बातें कहें तो ज़्यादा अच्छा है। जब बैठेंगे, दूसरे पक्ष की बातें सुनेंगे, मैंने कहा कि हर पार्टी की इच्छा होती है जब गठबंधन होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले और अच्छी से अच्छी सीट मिले। कांग्रेसी की हैसियत से हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, लेकिन जो बात करने के लिए बैठेंगे वो आपस में बात करके एक संख्या तय कर देंगे, और जो सबों को मान्य होगा वो हम लोगों को भी मान्य होगा। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह इस वक्त नाराज चल रहे हैं, महागठबंधन के एक नेता ने कहा है कि उनको पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, हम लोगों की जो जानकारी है कि नवादा में गिरिराज सिंह जी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए जान के अपनी पार्टी के लोगों से अंदर अंदर कह के उन्होंने अपना सीट बदलवा दिया है कि नवादा के लोग नाराज़ हैं, और ऊपर में मार्केट में ये बात फैलाने के लिए कि पार्टी ने हमको ज़बरदस्ती भेज दिया, बेगूसराय के लोग या जहां से भी वो लड़ेंगे वहां के लोग पूछेंगे कि आप अपनी सीट छोड़ कर क्यों चले आए, तो क्या करें, पार्टी ने हमको भेज दिया। लेकिन हम लोगों की जो जानकारी है कि उन्होंने नवादा सीट जान के छोड़ी है, क्योंकि नवादा में लोग बहुत नाराज़ थे गिरिराज सिंह जी से, और वहाँ उनके हारने का पूरा संदेह था। वैसे जहाँ भी जाएंगे, गठबंधन हमारा ठीक ठाक हो गया तो जीतने का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो अनऑफिशियली जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, वो ये है कि उन्होंने खुद से अपनी सीट बदलवाई। अगर महागठबंधन नहीं होता है बिहार में, तो कांग्रेस स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए तैयार रहेगी 400 सीट पर? देखिए, हम क्यों निगेटिव बात सोचें, हम क्यों नहीं पॉजिटिव बात करें, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो गठबंधन में हमारे सभी दल हैं उनका लक्ष्य एक है कि मोदी जी के कुशासन से देश को मुक्ति दिलाई जाए, इसलिए हम निगेटिव बातें नहीं करेंगे। हम हमेशा कहेंगे कि हमको पूरी आशा है कि गठबंधन पूरी मुस्तैदी से मिल के एमिकेबली इस मामले को सुलझा करके बिल्कुल मिल के साथ लड़ेंगे, और मोदी जी और नीतीश जी की जो एक तरह से अनहोली अलायंस है उसको हराने का, हर सीट पर हराएंगे। इस समय देश में एक शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है, वो है चौकीदार। सभी मंत्री और के प्रधानमंत्री तक अपने ट्विटर हैंडल में चौकीदार लगा लिया है। देखिए, एक आदमी जब चोरी में पकड़ा जाता है या इम्तिहान में फेल कर जाता है तो उसको मालूम होता है कि इस मोहल्ले में भी वो लड़का भी फेल कर गया तो बहुत खुश होता है, वो भी फेल कर गया तो बहुत खुश होता है। आप देश भर में आज कहीं आवाज़ ज़ोर से बोलिए चौकीदार, हर आदमी कहने लगेगा कि चोर है, यानी
चौकीदार कौन अपने को जोर जोर से बोलता था? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। तो हर आदमी समझ गया कि ये नारा नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। अब नरेंद्र मोदी जी अकेले पड़ गए हैं तो अपने नाम के साथ जोड़ के जो उनके साथ मंत्री हैं वो बेचारे मजबूरी में डाल रहे हैं नाम, जो उनके साथ MLA MP हैं जिनको टिकट लेना है वो नाम डाल रहे हैं अपना चौकीदार। माने नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं कि हम अकेले, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमारे साथ जितने लोग हैं इन्होंने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। लेकिन चूँकि सबसे बड़े पद पर मोदी जी हैं और देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, इसलिए सारे लोग जानते हैं। आप कहीं आज दिल्ली में, दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी कोने में और दुनिया के किसी कोने में जहां हिंदुस्तानी हो, आप ज़ोर से बोलिए चौकीदार, जनता से आवाज़ आएगी चोर है। तो आप समझ जाइए किसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ शकील अहमद जी, इन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार महागठबंधन में सीटों की खिंचातानी बहुत जल्द सुलझ जाएगी। दिल्ली से केशव जागी, रिपोर्ट LiveCities.in के लिए।